स्थित एक्सप्रेसो कुका बार से पुलिस ने 50 लोगों की शराब पीते पकड़े। मेरठ में इन दिनों कुका बारों को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले ही नौचंदी क्षेत्र में डगआउट कैफे में दो वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने कुका बार में लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद नौचंदी पुलिस ने कैफे के मालिक और मैनेजर सहित वायरल वीडियो में नजर आने वाले युवक को जेल भेजा था। तभी से हुक्का बारों को लेकर हिंदू संगठन लगातार लव जिहाद जैसी घटनाओं का आरोप लगाते हुए हुक्का बारों को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ताजा मामला थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर नई सड़क का है, जहाँ कुछ लोगों द्वारा पुलिस से शिकायत की गई। नई सड़क स्थित एक कॉम्प्लेक्स में एक्सप्रेसो हुक्का बार में गलत गतिविधियाँ चल रही हैं। ये सूचना पर जब नौचंदी पुलिस ने हुक्का बार पर छापा मारा तो वहाँ करीब 50 लड़के मौजूद थे और वे पार्टी कर रहे थे। छापामारी के दौरान सभी युवक हुक्का पीते हुए शराब का सेवन करते हुए नजर आए। सीओ सिविल लाइन संजीव देशवाल ने बताया, छापामारी के दौरान शराब की बोतलें, हुक्का व अवैध असला भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 लोगों को गिरफ्तार किया है और हुक्का बार मालिक सहित इन सभी पर लॉकडाउन के उल्लंघन व अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इसी मामले को कुल लव जिहाद का एंगल देखकर भाजपा नेता मनीष लोहिया द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर जल्दी इन हुक्काबारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम नहीं उठाए तो वह लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले इन हुक्काबारों का इलाज वह खुद ही कर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी। मिली थी कि नई सड़क पे एक हाइपर सुपरमार्केट है कि उस बिल्डिंग में ऊपर जो है कोई लोग पार्टी कर रहे हैं और जो हुक्का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सूचना पे नौचंदी पुलिस और दूसरे थानों की पुलिस द्वारा इकट्ठा संयुक्त रूप से दबिश दी गई तो वहाँ पे जो है कुछ लोग हुक्के का इस्तेमाल करते हुए मिले हैं। वहाँ की तलाशी ली गई तो कुछ लोगों पर वहाँ पर कोई नशीले पदार्थ भी प्राप्त हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोग थे जिनकी संख्या 50 के आसपास है। ये सभी लॉकडाउन का उल्लंघन करके वहाँ पर पार्टी कर रहे थे और कोई रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। पहले भी इनका कोई रेस्टोरेंट गुलाबुल लैंड में था जो लड़का एक किला है, उसको सबको गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध जो है उसी हिसाब से जो जो कार्रवाई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।